सबसे पहले बात शहर की सरकार की। जी हां, जी यूपी उत्तराखंड की खबर पर मोहर लगी है। यूपी में दो ही चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी। पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 38 जिलों में वोटिंग होगी। 13 मई को काउंटिंग की जाएगी, 13 को नतीजे आ जाएंगे। पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी में चुनाव होगा। लखनऊ, कौशाम्बी, शामली, मुजफ्फरनगर में भी पहले चरण में चुनाव होंगे। बिजनौर, रामपुर, संभल, ललितपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, हरदोई, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर में पहले चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा मेरठ, बरेली, आजमगढ़, मिर्जापुर में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, एटा, अलीगढ़, फरुखाबाद, बांदा, कानपुर, बाराबंकी, अमेठी, बलिया में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। तो इस तरह ये कुल मिलाकर 38 जिले हैं जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। और जो पहले चरण की अगर बात करें तो इसमें 37 जिलों में वोटिंग होगी, जो नतीजे 13 मई को आपके सामने होंगे। और इसी के साथ आज से आचार संहिता लागू हो गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी यूपी उत्तराखंड की खबर पर मोहर लगी है। दो चरण में ही निकाय चुनाव होंगे। निवर्तमान मेयर उमेश गौतम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है। देखिए, आज बिगुल बज चुका है निकाय चुनाव का, कितने तैयार है अब आप आगे के लिए? हमारी तैयारी पूरी है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। हम लोग चुनाव के लिए काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है, चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। अजीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और साथ साथ इस वक्त हमारे साथ विनय भी बने हुए हैं। विनय का भी रुख करेंगे, अजीत का भी रुख करेंगे। अजीत, चूंकि देखिए इसी के साथ आज तस्वीर क्लियर हो गई है, जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, दो चरणों में चुनाव होंगे और अब पिक्चर भी क्लियर हो गई है, 13 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन ऐसे में अब जो अगली तस्वीर है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। वक्त बहुत कम है और इस कम वक्त में ही सारी तैयारी भी करनी है, प्रत्याशियों का चयन भी करना है और फिर जनता के बीच भी जाना है। तो एक एक चीज महत्वपूर्ण, एक एक मुद्दा महत्वपूर्ण, क्योंकि अब अगर देखा जाए शहर की सरकार का तो एजुकेटेड लोग हैं और एक एक मुद्दा महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए। अजीत, देखिए बिल्कुल, शहर की सरकार में छोटे मुद्दे बड़े बन जाते हैं, इसीलिए देखिए ज्यादातर सीटों पर चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, या फिर नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष हो, रिपीट बहुत कम होते, क्योंकि यहाँ छोटे मुद्दे बहुत काउंट किए जाते हैं। अगर किसी के दरवाजे पर कूड़ा पड़ा और अगर दो दिन तक आपने नहीं हटाया। अजीत, अजीत मुझे आपको रुकना पड़ रहा है, उमेश जी भी लगातार हमारे साथ चूंकि इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक बार मैं वापस से उनका रुख करती हूँ। अजीत, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। उमेश जी, देखिए आपकी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक अगर देखा जाए पिछली बार के नतीजे, तो इस बार क्या टारगेट आप लेकर चल रहे हैं? क्योंकि 17 सीटें हैं, पिछली बार देखा जाए तो 14 सीटें आपके कब्जे में आई। इस बार की तस्वीर को लेकर क्या टारगेट, किस टारगेट के साथ ही आप जनता के बीच जाएंगे? उमेश जी, देखिए विकास सबसे बड़ी बात है, विकास का जो हम लोगों ने विकास किया है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। लोगों ने विकास देखा है बरेली में, खासतौर से अगर बात करूं तो पिछले 17 साल से यहाँ पर विपक्ष था, यहाँ कोई काम ही नहीं हुए थे, तो जिस तरह से काम हुए हैं जनता उसको पसंद कर रही है, जनता चाह रही है कि अब यहाँ पर भाजपा का ही शासन रहे। हाँ। तो मुझे लगता है कोई यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। हम लोगों का जो काम है वो बोलेगा, जो सुशासन है वो बोलेगा, जिस तरह से यहाँ काम हुए हैं और जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सुशासन यहाँ पर कायम है, तो उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। तो क्या है इस बार फिर से सर पार्टी से उम्मीदें हैं आपको? जी बिल्कुल उम्मीद है। हाँ। क्योंकि हमने काम किए हैं, हमने जनता के बीच में बहुत काम किया है और हाँ। मुझे लगता है कि जनता की मांग पर, जनता की भरोसे पर हाँ। मेरे ऊपर पार्टी भरोसा करेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। सर 17 में से कितनी सीटें लग रही हैं इस बार? पिछली बार तो 14 सीटें थी, इस बार कितनी सीटों का टारगेट है? 17 में से 17 सीटें होंगी। ठीक है, ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। अजीत का आप रुक करते हैं, अजीत भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपको रुकना पड़ा, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए बिल्कुल, राजू रंजन जी हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस एनालिस्ट हैं और देखिए बहुत पकड़ रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। राजू जी, जिस तरह से देखिए अब 9 मंडल चुनाव होने हैं, पश्चिम के 4 मंडल हैं, 2 मंडल इधर 2 मंडल उधर किए गए, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन दल कितना तैयार है आपके हिसाब से? देखिए तैयारी के नाम पर तो उत्तर प्रदेश में या देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन अपने केवल चुनाव में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास ही एक चुनाव प्रबंधन वाला विभाग है, चुनाव प्रबंधन विभाग के जिम्मे। अखिलेश भी तो काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, डर लग रहा है क्या उनको? देखिए अखिलेश जी चाहते हैं
कि चूंकि मायावती की सक्रियता उत्तर प्रदेश में कम हुई है तो मायावती के जो वोटर उनको विधानसभा में छोड़कर चले गए थे जो भाजपा के साथ चले गए थे, अखिलेश जी को एक अवसर दिखाई दे रहा है कि शायद उस वोट को पोलराइज करा सकेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये शहरों के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से शहरी चुनाव में हमेशा अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब 52 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय भी मेयर की सीटों में भाजपा का बहुमत था, तो आज भी कमोबेश वही स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी करीब करीब क्लीन स्वीप करेगी ऐसा मेरा मानना है। क्या ये कहा जाए कि ये 24 की तैयारी भी है, इसमें एक टेस्ट भी हो जाएगा? 24 का ही टेस्ट नहीं होगा, विधानसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी जिस तरह से मुद्दों के लेके आई है, चाहे रामचरितमानस का मामला हो चाहे ओबीसी का मामला हो, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है और निश्चित तौर पर इसका टेस्ट होगा और हमको लगता है कि इन मुद्दों का फर्क पड़ने वाला नहीं है।